मणिपुर में हिंसा का दौर अभी तक नहीं थमा है। एक बार फिर वहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इम्फाल के पश्चिम जिले में एक आर्मी जवान की किडनैपिंग की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। भारतीय सेना के एक जवान सिपाही सरडो थांगथांग कोम छुट्टी मनाने घर लौटे थे। यही 16 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे सिपाही सरडो का उनके घर से अपहरण कर लिया गया था। उनका 10 वर्षीय बेटा इस पूरी आपराधिक वारदात का प्रत्यक्षदर्शी है। बेटे ने कहा कि तीन बदमाश घर में घुस आए। उस समय पिता और पुत्र बरामदे में काम कर रहे थे। बदमाशों ने उनके पिता के सिर पर पिस्तौल रखकर उन्हें जबरन एक सफेद रंग की गाड़ी में बैठा लिया और अपने साथ लेकर चले गए, जिसके बाद अगले दिन करीब सुबह 9:30 बजे उनका शव इम्फाल पूर्व के सोगोलमांग पुलिस स्टेशन के तहत मोंगजांग के पूर्व में एक गांव में पाया गया। उनकी पहचान उनके भाई और बहनोई ने की है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बदमाशों के हाथों मारे जाने वाले बहादुर सैनिक के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा है। अंतिम संस्कार परिवार की इच्छा के अनुसार किया जाएगा। सेना ने शोक संतप्त परिवार की हर संभव सहायता के लिए एक टीम भेजी है। भारतीय सेना सिपाही सरडो थांगथांग कोम की हत्या की कड़ी निंदा करती है और इस कठिन समय में उनके परिवार के साथ खड़ी है। वहीं इसके पहले 13 सितंबर को मणिपुर से एक दरोगा की हत्या की खबर भी सामने आई थी। चुराचांदपुर जिले में चिंगफेई बंकर नंबर 1 पर ड्यूटी पर तैनात दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृत पुलिसकर्मी की पहचान ओकोमांग हाउकिप के रूप में हुई थी, जिसे दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच एक स्नाइपर ने सिर पर गोली मार दी। अधिकारियों के मुताबिक घटना में 2 अन्य लोगों को भी गोली लगी थी। जानकारी के मुताबिक घाटी स्थित विद्रोही समूह के एक स्नाइपर ने बिष्णुपुर और लमका को अलग करने वाले सैन्य बफर जोन के पास कुकी जो समुदाय के सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मैतई समुदाय के लोगों ने सोशल मीडिया पर हत्या के बाद जश्न मनाया। ये हमला ठीक कांगपोकपी जिले में अज्ञात लोगों द्वारा 3 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद हुआ। वहीं इससे पहले 8 सितंबर को टेक्नोपाल जिले के पल्लेल में 3 अन्य लोग मारे गए और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। देखा जाए तो महीनों बीत गए हैं, मगर मणिपुर में अभी तक स्थिरता नहीं आ सकी। आए दिन किसी निर्दोष की हत्या की जा रही है। ऐसे में सरकार की भी जवाबदेही बनती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।